आप मुझे ये बताओ कि वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट क्या है? खाना सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं होता है, हम कहते हैं ना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, हम उसके न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। दूसरा होता है खाने के वाइब्रेशन। भारत की संस्कृति में हजारों साल से है, जैसा अन्न वैसा मन। आज वेस्ट में भी बोलते हैं यू आर व्हाट यू ईट, तो नॉनवेज मतलब वाइब्रेशन ऑफ पेन। दूसरा कर्मा वाइज भी अगर हम चेक करें कि अपने को टेस्ट देने के लिए या अपने को हेल्थ देने के लिए किसी को मरना पड़ेगा मेरे लिए, ये कौन सा कर्मा बना? ये कोई कर्मा नहीं बना। तो बाय एनी एंगल, वाइब्रेशनली नहीं, कर्मा वाइज नहीं, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, वो एनर्जी ऑफ डेथ है। नवरात्रों में क्यों सात्विक खाना खाते हैं? क्योंकि शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, डिविनिटी का आह्वान कर रहे हैं। तो उस 9 दिन में क्यों सात्विक खाते हैं? तो फिर क्या हमें डिवाइन शक्ति सिर्फ 9 दिन चाहिए? राइट। तो जिस टाइम डिविनिटी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो वो वेजिटेरियन भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो मतलब पता है ना कि वो दूसरा भोजन तामसिक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो लोएस्ट एनर्जी खाने में आता है। नॉनवेज तो छोड़ो, किसी ने अगर परेशान स्थिति में भी खाना बनाया हो तो हमारे मन में परेशानी आ जाती है उसके बाद। इतना जैसा अन्न वैसा मन होता है।